हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द साइंस ऑफ 8th क्लास। सो इन 8th क्लास साइंस चैप्टर 3rd इज गोइंग ऑन फाइबर एंड पॉली सिंथेटिक फाइबर। आप देखिए सिर्फ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो नेचर में नेचुरल तरह से पाए जाते हैं, जो प्रकृति में प्राकृतिक तरह से पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स, अगर क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ टू नेचुरल फाइबर्स, देन कॉटन एंड जूट। ओके, कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स, वेयर एज वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। ये दोनों फाइबर्स वूल और सिल्क एनिमल से प्राप्त होते हैं। वूल होता है हमको प्राप्त शीप से, और सिल्क होता है सिल्क मोथ से, सिल्क वॉर्म से। कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर, वेयर एज जबकि वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। ये दोनों कैसे हैं? एनिमल फाइबर्स हैं। ओके, कौन से? वूल और सिल्क। विच आर आल्सो नेचुरल फाइबर, ये भी नेचुरल फाइबर हैं। ठीक है, फाइबर्स ऑल दी नेचुरल फाइबर्स, ऑल दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये सारे फाइबर्स जो है ना सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिनको मोनोमर्स बोलते हैं, है ना। जो फाइबर सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे फाइबर्स को मोनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। ओके, अब मोनोमर्स ज्वाइन इन लार्ज नंबर। मोनोमर्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर में बहुत ज़्यादा संख्या में ज्वाइन होते जाते हैं। जो मोनोमर्स है वो बहुत ज़्यादा संख्या में ज्वाइन होते जाते हैं, और ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? एक लंबी सी चैन बना देते हैं, जिसको पॉलीमर बोलते हैं। ओके, मोनोमर्स ज्वाइन होकर एक लंबी सी चैन बनाते हैं, इस चैन को पॉलीमर बोलते हैं। वही लिखा है कि मोनोमर्स ज्वाइन इन लार्ज नंबर टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। लॉन्ग चैन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चैन क्या कहलाती है? पॉलीमर्स कहलाती है। और ये पॉलीमर्स किसके बने होते हैं? नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन होते जाते हैं आपस में। ओके, अब देखिए द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स कंबाइन टू मेक अ लॉन्ग चेन। वह क्रिया जिसके द्वारा मोनोमर्स कंबाइन होकर बहुत लंबी चेन बनाते हैं या पॉलीमर बनाते हैं, ऐसी क्रिया को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, है ना। वह क्रिया जिसमें क्या होता है, मोनोमर्स कंबाइन होके एक लंबी सी चैन बनाते हैं, ऐसी क्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाती है। क्लियर? पहले बताया कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स, वेयर एज वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स, विच आर आल्सो नेचुरल फाइबर, ये भी नेचुरल फाइबर होते हैं। फिर बताया ऑल दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये सारी फाइबर सिंपल मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, जिनको मोनोमर्स कहलाते हैं। बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलके एक लंबी सी चैन बनाते हैं, है ना, वो पॉलीमर्स कहलाती है। ठीक है, और द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स कंबाइन टू मेक अ लॉन्ग चेन और पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वह क्रिया जिसके द्वारा मोनोमर्स आपस में जुड़कर एक लंबी सी चेन बना देते हैं, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ओके, सो दिस इज द नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।